बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ऑटो लेवल मशीन के एक नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम ऑटो लेवल मशीन के साथ 5 मीटर स्टॉप से ज़्यादा डेप्थ को चेक कर सकते हैं। पिक्चर के मुताबिक आपको एक बेंच मार्क नज़र आ रहा है जिसका एलिवेशन 60.176 है। सबसे पहले हम अपने ऑटो लेवल मशीन को बबल करने के बाद अपने स्टाफ को इस बेंचमार्क के ऊपर रखकर फर्स्ट रीडिंग रीड करेंगे। ये देखें, सबसे पहले मैंने अपने ऑटो लेवल मशीन को लेवल कर लिया है। अब मैं लेवल मशीन के आईपीस को इस्तेमाल करते हुए अपने स्टाफ की रीडिंग को रीड कर रहा हूँ, जो कि मेरी रीडिंग आ रही है 0.944। बेंचमार्क के ऊपर स्टॉप रखकर जो सबसे पहली रीडिंग ली जाती है उसे हम बैक साइड रीडिंग कहते हैं। बैक साइड रीडिंग को बेंचमार्क के एलिवेशन में प्लस करेंगे तो हमारे इंस्ट्रूमेंट का लेवल कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमारे इंस्ट्रूमेंट का लेवल कैलकुलेट हो चुका है, जो कि 61.117 है। बैक साइड को रीड करने के बाद अब हम अपने लेवलिंग स्टॉप को मूव करके चैम्बर के टॉप पर रख कर अपनी फोर साइड रीडिंग को रीड करेंगे। पिक्चर के मुताबिक देखें, अब मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करके चैम्बर की तरफ कर लिया है। अब मैं अपनी रीडिंग रीड करूंगा। ये देखें, अब मेरा लेवलिंग स्टाफ चैम्बर के पास पहुंच चुका है, तो मैं चैम्बर के टॉप पर अपने लेवलिंग स्टाफ को रखकर अपने इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करके लेवलिंग स्टाफ पर आने वाली फोर साइड रीडिंग को रीड करने लगा हूँ। ये देखें, मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को रोटेट कर लिया है। अब मैं इंस्ट्रूमेंट के आईपीस को इस्तेमाल करते हुए अपने स्टॉप की रीडिंग रीड करूंगा। ये देखें, अब चैम्बर के टॉप पर हमने स्टॉप रखा हुआ है, तो मैं अपनी रीडिंग को रीड करूंगा। मेरी रीडिंग आ रही है तकरीबन 2.434। अब हम अपनी इस रीडिंग को इंस्ट्रूमेंट लेवल 61.117 से माइनस करेंगे तो हमारे पास टॉप ऑफ चैम्बर का लेवल कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि 60.176 आ रहा है। हमारा मेन मकसद है चैम्बर के बॉटम तक लेवल कैलकुलेट करना। अब हमने चैम्बर के टॉप तक लेवल कैलकुलेट कर लिया है, इसके टॉप से लेकर बॉटम तक। अब हम अपने मीटर को या लेवलिंग स्टाफ को इस्तेमाल करते हुए चैम्बर की डेप्थ चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब मैं अपने लेवलिंग स्टॉप को इस्तेमाल करते हुए चैम्बर के बॉटम से लेकर चैम्बर के टॉप तक उसकी डेप्थ को चेक कर रहा हूँ, जो कि हमारे पास आ रही है 4.60। अब मुझे चैम्बर के बॉटम का एलिवेशन चाहिए, तो मैं चैम्बर के टॉप लेवल में से अपनी इस डेप्थ 4.60 को माइनस करूँगा, तो मेरे पास चैम्बर का बॉटम एलिवेशन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।